इंसान को अपने नफ्से अमारा को मारना चाहिए, जिस्म की परवरिश की बजाय बाकी की तलाश करनी चाहिए, फानी की बजाय बाकी की तलाश करनी चाहिए, ताकि हयात अब्दी नसीब हो। कदा हरगिज ख्वाब में हिंदुस्तान नहीं देख सकता, क्योंकि वो हिंदुस्तान से कभी गायब नहीं हुआ। हजार साल दोज़ख में रहना बेहतर है, उसके के बादशाह गुलाम की पूजा करने लगे। जाहिर का बातन में फायदा है, जैसे सेहत दवा में पोशीदा है। मुनकिर की दोस्ती छोड़, कहीं तू भी मगलूब ना हो जाए। बस हक के ताला को दोस्त रख, जो कुछ खुदा ने पैदा किया है उसकी एक हिकमत बातनी है। ऐ मुनकिर, जाहिर के अलावा बातन पर भी निगाह रख। ऐ बज़ाहिर परस्त, मखलूक के जाहिर और बातिन दोनों पर गौर व होश किया कर। हर एक चीज के दो रुख, रहनुमाई के लिए दोनों तरफ तवज्जो, एक तरफा निगाह सलामती का रास्ता नहीं है। हर नक्शे जाहिर किसी पोशीदा चीज के लिए मकसूद है, कि यह पोशीदा सूरत भी मकसूद नहीं, बल्कि इससे दो फायदे मतलूब हैं। तुम इन फवायद को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गर्ज ये के जहाँ तक तुम्हारी नजर पहुँचे गिनते जाओ, किसी एक फायदे पर बस ना करो। दोस्ती ही के जरिए से मोहब्बत और अदावत पैदा होती है, और गजा ही के जरिए सेहत और मर्ज लाहिक होता है। औरत से जमा के लिए एक चीज नहायत जरूरी है, और वो ये खाना खाने की ख्वाहिश होना। मादा तलीफ के लिए और अफजाइश नस्ल और रोशनी जश्न के लिए जो शख्स तलीम को कबूल नहीं कर सकता, ऐसा शख्स यकीनन काबिल कोयाई नहीं हो सकता। आदमी की मिसाल ऐसी है जैसे बच्चे के कान में जब माँ की आवाज़ पहुँचती है तो वो गोया होता है। अगर बच्चे के कान उससे महफूज नहीं हुए तो वो इसकी निदा को नहीं सुन सकता और ना ही बोल सकता है। जिस तरह बच्चा माँ की तलीम के बगैर गोया नहीं हो सकता, इसी तरह आदमी के बगैर हादी यानी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इनके नायब की तलीम खुदाबंदी नहीं सीख सकता। तुम्हारा जिस्म दही की तरह है और रूह रोगन की तरह है। ये रोगन इस दही से मुखफी है, यह निकल पाए असारे जिस्म में असारे रूह मगलूब हो गए। बस तुमको चाहिए कि रोगन को दही से जुदा करने की कोशिश करो, क्योंकि इस दही के रोगन छोड़ने के लिए और जिस्म पर रूह के गलबे के लिए जहदात में बड़ी साई की जरूरत है। दही में गीमा आदूम ही नजर दिखाई देता है, और कायनात दही का वजूद नजर आता है। जो हादी उल नजर में दिखाई देता है वो पोस्त है, और जो नजरों से ओझल है वो असर और बाकी रहने वाला है। तब तक दही से रोगन ना निकाल लो, इसे रखे रखो और खर्च मत करो। ऐ दोस्त, हमारे नींद मौत का भाई है, इस भाई को क्या करो। अगर कोई एतराज़ करे कि ख्वाब इस दुनिया की शाख है, मकलद तो इस बात